नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। आज मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम बुजुर्ग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं ये मांग करने के लिए कि जो बच्चे होते हैं जिन्हें वो पालते पोसते हैं वो उनके साथ बड़े होने के बाद शादी होने के बाद दूर दीदार करते हैं। इसी तरीके के यहाँ पर कई लोग हैं जो अपने बच्चों से पीड़ित है, जिनके बच्चे उनके साथ मार पिटाई करते हैं। तो सीधा इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज इन लोगों को जंतर मंतर पर क्यों आना पड़ा और क्या इनका मसला है और क्या ये सरकार से मांग कर रहे हैं। तो सीधा कोशिश करेंगे जानने की। पहले तो सर आपका नाम नंबर 74। उसको मैं खाली कराने के लिए मैं एक डीजी साहब को दरख्वास्त दी थी। मुझे 2 साल हो गया, अभी तक उन्होंने मेरा फैसला नहीं किया। कहने का मैं बच्चों को बेदखल भी किया हुआ है और मुझे घर से 8 फोड़ का बच्चों ने और मुझे कूटा मारा बाहर से। मुझे 1 साल हो गया, 1 साल होटल में मुझे मैं वृद्ध रहा हूँ और वृद्ध आश्रम में जो सीता जैन है उनका बिहेवियर नहीं अग्रवाल है उनका बिहेवियर नहीं ठीक है। वहाँ भी बड़ी बोदरेशन है, उनका जो वातावरण है वो ठीक नहीं बोलना चाहिए। मतलब तो आपको कहना ये कि वृद्धाश्रम में जो आप सब रहते हैं वहाँ पर जो तमाम सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। नहीं, उनको जो इंचार्ज है उनको तो ये बोलना चाहिए, उनको तमीज नहीं है बोलने की, दुर्व्यवहार करते हैं आपके साथ। तो आप भी आए हैं। अब मैंने बच्चों को बेदखल किया हुआ है, उनको बच्चों को बाहर निकाला गया छोटी से और मुझे वहाँ पर होने के लिए। सर मेरा ये सवाल है कि आग फोड़ने का क्या कारण था, ऐसा क्या हुआ? वो है मेरे नाम पर कर दो। अच्छा, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, आप बाहर निकलो और ना जहाँ मजे हम ये केस लगाएंगे। आपने हमारे से दहेज मांगा, हमारी बहू ने ये कहा, हमारी वाइफ से ये कहा, वो पहचान छेड़ा हानी की। अच्छा, वो ये बहाना लगाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर जो वृद्ध आश्रम में जो और जैसे लोगों ने मुझे वहाँ पर आए वहाँ पर रहने के लिए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं उन्होंने से पैसा लेता। मैं दिनेश कुमार जागरा हूँ और पीड़ित माता पिता भाई का लीगल सेल का प्रधान वाइस प्रेसिडेंट पीड़ित माता पिता भाई मंच का वो इस उद्देश्य से किया है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में छोड़कर चले जाते हैं वो ऐसा जो सेंट्रलाइज कानून बने, जो यूनियन ऑफ इंडिया अपना कानून बनाए पारित करे ताकि जो बच्चे हैं वृद्धावस्था में अपने माँ बाप को छोड़ के ना जा सके, कोई उनके अगेंस्ट कितनी भी एक्शन हो पनिशमेंट हो ताकि वो लोग अपने माँ बाप की देखभाल करें जैसे माँ बाप ने उनकी देखभाल की थी जब वो इस अवस्था में थे, उनकी देखभाल की, उनको पढ़ाया लिखाया और सक्षम बनाया, समर्थ बनाया कि वो आज खाने कमाने लायक बन गए। हमारे भारतवर्ष में 18 साल की जब उम्र हो जाती है तो उसको मेजर घोषित कर दिया जाता है बच्चे कि वो मेजर हो, जबकि यदि प्रैक्टिकली आप देखें तो 18 साल के बाद उसकी प्रोफेशनल स्टडी शुरू होती है और प्रोफेशनल स्टडी जब शुरू होती है उस प्रोफेशनल स्टडी को करने में मात्र उसका हाथ नहीं होता है, माँ बाप का भी उतना ही हाथ होता है, वो मॉरली फाइनेंशियली उसकी सपोर्ट करता है जब जाके उसको वो डिग्रीज मिल पाती हैं जिन डिग्रीज के बल पे वो आज की डेट में खाने कमाने लायक बन गया। तो हमारा मानना ये है कि जिस तरह से माँ बाप ने उनका देखभाल किया वृद्धावस्था में उस तरह से ही माँ बाप की बच्चे देखभाल करें और यदि बच्चे उनको छोड़ के जाते हैं तो इस तरह का कानून पारित करें कि वो किसी भी तरीके से छोड़ के ना जा सके। आपका क्या कहना है? ये शादाब चौधरी कहते हैं पिताजी मुझे, लेकिन ये जो हमारे वकील साहब हमारे बड़े भाई जो मंच के मतलब जो लीडर हैं उन्होंने जो बताया वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
और जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं, आशु भल्ला जी के मतलब प्रोजना है, गद्दर आश्रम जी के हैं, और हम लोग जो हैं, ये मैं सब लोगों की एक भारी निंदा करता हूँ आप लोगों की। मैं बहुत निंदा करता हूं जो आप जिस संकट से गुजर रहे हैं, तो मेरी ऊपर वाले से ये प्रार्थना है आप इस संकट से ना गुजरें। रहा सवाल जो माँ बाप अपने बच्चे को कोई IAS बना रहा है, कोई PCS बना रहा है, कोई फौज में भेज रहा है, कोई डॉक्टर बना रहा है, इस तरह के माँ बाप जो छोटे छोटे बच्चों का बड़ा भाई है और बड़ा भाई है और छोटा भाई है, जो भी बच्चा घर में इस तरह के लेवल पर पहुंचा और माँ बाप ने उन और बच्चों का हक भी लगाकर उस बच्चे पर लगाया जो IAS PCS बना, जो क्या नाम है ये हमारा जो भी बना, उसके बावजूद होने के बाद वो बच्चा अपने माँ बापों की खिदमत नहीं कर सका। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत सोचना चाहिए, पहले तो एक चीज़ सोचना चाहिए, जैसे डॉक्टर हुआ तो सबसे पहले माँ बाप ये सोचता है कि मैं डॉक्टर के साथ ही करूँगा, तो मैं तो बुढ़ापे की लाठी का सारा जो बच्चे होते हैं ये पुराना मसला है, आज ही आप लोग जागरूक। पुराना मसला तो है मगर अब जो है इसका जाग हो रही है। सरकार कानून को क्या है कि इतने आश्रम चल रहे हैं जो बेवजह आश्रम चल रहे हैं, जिन्होंने आश्रमों के रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं और उसमें लोगों को मतलब कर रखा है, मतलब जो माँ बापों को छोड़ रखा है, सब लोगों को छोड़ रखा है, उनकी ना तो कोई देखभाल है ना कुछ है, और उन्होंने फंडिंग लेते हैं, पैसा ले लेते हैं वो आश्रम वाले, और क्या नाम है हम लोगों को इन्हें सबको बदनाम करते हैं दूसरे। अरे साहब बिल्कुल ऐसा है ना है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे साथ चलिए मैं दिखाता हूँ आश्रमों को क्या, जहाँ की जो है वो इस तरह से पैसा लेने के बाद जिनकी ना देखभाल है ना कुछ है और उन पर पैसा ले लेते हैं उनके नाम से, मतलब 1000-2000 लोगों ऐसा है। आप मेरे साथ चलिए रीता जी, मैं आपको दिखाऊंगा, और ऐसा है मेरे यहाँ कहिए कि बहुत आश्रम चल रहे इस तरह से यूपी के अंदर हाँ दिल्ली में, मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे हालात में मेरा इन सब लोगों का, मैं इनके साथ में हूँ, मेरा बड़ा भाई जो अभी ये रो रो के जो बता रहे हैं, मैं इस बात की इतनी निंदा करता हूँ, इतनी निंदा करता हूँ कि मेरे बुजुर्ग बाहर की आंखें चली गई। उन अगर एक बच्चा घर में कामयाब है तो वो बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करे, अगर मान लो 3 बच्चे नहीं है किसी लेवल पर कामयाब नहीं है तो उनका हालात जो ऐसे है जैसे मान लो नहीं गुजर सकते और आपस में आश्रम के सहारे चंदा उगाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, अपनी मजूरी बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, जो पैसा इकट्ठा माँ बाप को लड़के को माँ बाप को चुप कराया जाए, लड़के को भी जाकर माँ बाप को चले जाए, उम्मीद है लड़के को भी माँ बाप को। सर एक कहावत है कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, तो क्या सिर्फ बेटी की उसके लिए हम नहीं चाहते अपने आपकी आंखें बड़ी नम लग रही है सर, लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो होगी जनवरी 2023 का बच्चा चला है, उसको बिना काम छोड़ के चले तो इसका गठन करने के बाद चलिए बहुत भावुक होने लग रहे हैं सर। तो ये थे पीड़ित माता पिता भलाई मंच के यहाँ पर लोग थे जो मांगों को लेकर, जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी का सहारा होते हैं, यही माँ बाप आशा करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर तमाम पोस्टों पर बैठाते हैं और खर्चा करते हैं, तो यही है कि माँ बाप इतना खर्चा करने के बाद भी आज वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। ये भारत का एक सबसे
सबसे पुराना और बड़ा मुद्दा है, पर इस पर मांग ये लोग यही कर रहे हैं कि इस पर क्या सरकार कानून बनाएगी, ये बड़ी मांग है। पर देखना यही होगा कि सरकार इन वृद्धाश्रम को भी जो लोग चला रहे हैं उन पर भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि वो वृद्धाश्रम जो है संगठनों से सरकार से पैसा ले लेते हैं, पर बुढ़ापो ये जो लोग हैं इनके साथ उस तरीके की सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं करवाते और ना ही उनको के साथ सही से व्यवहार करते हैं। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार।